हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है आरुई, जिसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8.5 है आउट ऑफ 10, जो ही काफी अच्छे है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आरुई, उसके मम्मी पापा और छोटा भाई से। आरुई बचपन से ही अपने परिवार की लाडली रही है, ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा कि वो एक लड़की है इसीलिए। हाँ, इसीलिए। किसी के भी पापा मम्मी या भाई हो, सभी यही चाहते हैं कि हम उसके जरूरतों को पूरा करें, उसको खुश रखें। आरुई के ही मम्मी पापा वही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी दिल में यही रहता है कि ये एक दिन हम लोगों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। आरुई जब छोटी थी तब अपने पापा को सिगरेट छोड़ने के लिए कही, उसके पापा मना नहीं कर पाते हैं और सिगरेट छोड़ देते हैं। आरुई को स्कूल में बहुत से लड़के पसंद करते हैं और प्रपोज भी करते हैं, लेकिन वो सबसे यही कहती फिरती रहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन आरुई भी इस अच्छा से ज्यादा दिन दूर ना रह सकी। उसको भी एक लड़का अच्छा लगने लगता है और प्रपोज भी करती है, लेकिन वो लड़का किसी और को पसंद करते रहता है, वो आरुई को मना कर देता है। आरुई काफी उदास हो जाती है और इसके बारे में अपने दोस्त जेसी को बताती है। आरुई को कभी भी किसी के बर्थडे पार्टी में जानी होती है तो वो अपने पापा से ही परमिशन मांगती है, और उसके पापा आरुई को कभी मना नहीं कर पाते। एक रात आरुई शराब पीकर घर आ जाती है और इसके बारे में पापा को पता चल जाती है, पर वो डांटने के बजाय ये कहते हैं, तुमने पी या कोई पिलाया है? पापा, मैं खुद से पी हूं, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। एक दिन आरुई की तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टी होने लगती है। मम्मी उसको बहुत डांटती है, पापा को भी डांटने लग जाती हैं। कहती हैं, सब आप ही का किया धरा है, आप ही ने इतनी छूट दे कर रखी थी। मैं हमेशा कहती थी ना, लड़की है, ज्यादा छूट सही नहीं होगी, अब देखो। पर पापा पहले आरुई को कुछ कहते थे और ना ही आज, लेकिन आज वो सिगरेट जरूर जलाते हैं, जिसे आरुई के कहने पे छोड़ दी थी। आरुई रो रो कर कहती रही कि पापा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। पर पापा अब आरुई से बात करना बंद कर देते हैं। मम्मी भाई को भी आरुई से बात करने के लिए मना कर देती है। अब आरुई अपने माँ से लड़ जाती है, माँ भाई को उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? लेकिन पापा आरुई को डांटने लगते हैं, कहते हैं, अगर वो तेरी गलती नहीं होती तो तू अब तक आत्महत्या कर चुकी होती, हम लोगों से ऐसे नहीं लड़ती रहती, सब मेरी गलती है। लेकिन अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं होती, घर छोड़ दे हमारा। आरुई अपना घर छोड़ देती है और अपने फ्रेंड जेसी के साथ रहने लगती है। जेसी की मम्मी नहीं होती, दोनों बाप बेटी ही रहते थे, और अब उनके साथ आरुई भी रहने लगी, नशे भी करने लगी, सिगरेट शराब, क्योंकि जेसी और उसके पापा तो पीते ही थे, उनके साथ आरुई भी नशा करने लग गई। लेकिन कब तक अपने फ्रेंड के घर में रहती? एक दिन उसको भी छोड़ देती है और एक एनजीओ में जाकर रहने लगती है, और मन को शांत करने के लिए एक सत्संग में जाने लगती है। अपने दोस्त इमिली के साथ एक सिलाई सेंटर में काम करती है। इमिली एक किन्नर होती है, लेकिन एक दिन आरुई को पता चलता है उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और काफी सारे पैसे भी लग रहे हैं। आरुई जिस सिलाई सेंटर में काम करती है वहां से 1 लाख लेकर अपने पापा से मिलने जाती है, पर उसका भाई वो पैसा लेने से इनकार कर देता है और ना ही मिलने देता है। पर अब आरुई इन सब से परेशान हो गई होती है, उसे अब किसी का भी डर नहीं रहता, ना ही अपने समाज का और ना ही अपने मम्मी पापा का। आरुई अपना सच बताने एक टीवी शो में जाती है, जहां आरुई कहती है, 3 आदमी थे मैम, शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, मैं अपने पेरेंट्स से अलग थी ये जानने के बाद उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे।
उनमें से तो एक मेरे सहेली के पापा हैं मैडम, दूसरा मेरा आध्यात्मिक गुरु, तीसरा मेरा बॉस जहां मैं सिलाई करती हूँ। ये एक टीवी शो है तो वो लोग भी आए होते हैं जिसके नाम अरोही ने लिए हैं। जेसी के पापा अपनी गलती मान लेते हैं और सभी के सामने अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहते हैं, हाँ ये सच है, जब अपना घर छोड़ के आई थी तब बहुत शराब पीने लगी थी और मैं उसी नशे का फायदा उठाता था। सदगुरु और उसके बॉस मना कर देते हैं, कहते हैं लड़की झूठ बोल रही है। हाँ मैंने इसके पापा का तबीयत खराब था तो 1,00,000 रुपए दिए थे, पर कभी भी मैं इसके साथ गलत नहीं किया। आरुई बस ये चाहती थी वो लोग पब्लिक के सामने मुझसे माफी मांगें, पर टीवी शो वालों को सच से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लगता है कि हम लोग इसमें कैसे मसाला डालकर लोगों के सामने लाएं। आरुई कहती है, मुझे एड्स है मैडम, ये रहे मेरे मेडिकल रिपोर्ट, ये मेरे साथ सोए हैं तो मुझे लगता है इन्हें भी एड्स होगा ही। बचपन से ही मैं थोड़ी सेंसिटिव थी, 2 साल पहले मुझे मलेरिया हुआ तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहीं पता चला मुझे एड्स है। ये मुझे कैसे हुआ मैं नहीं जानती, डॉक्टर ने कहा ये बहुत रेयर केस है, शायद मुझे एक्सीडेंटली एचआईवी हो गया है, पर मेरे आसपास के लोगों ने सोचा ये सेक्स की वजह से हुआ है। ये बात मेरे मम्मी पापा और भाई को भी पता थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मेरे शरीर पे तरह तरह के बदलाव हो रहे थे, जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द, थकान। मेरे घर वालों को लगा मैं गलत काम करके आई हूँ, मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया। तब मैं जेसी के घर गई, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकी और एक एनजीओ में आ गई। अब वो दोनों, उसका बॉस और सदगुरु भी अपनी गलती बता देते हैं और डॉक्टर आकर उनका एचआईवी टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट निगेटिव आता है। लेकिन टीवी शो वाले उन्हें कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें मसाला चाहिए रहता है, बल्कि वो लोग बात को घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हें एड्स है, तुम भी बच जाती और ये लोग भी बच जाते। अरवी कहती है, किसी लड़की को इतना मजबूर कर दिया जाए तो वो कर भी क्या सकती है, वैसे मैं नशे में थी, मुझे कुछ पता नहीं था, और ये मुझे 1,00,000 देता क्या जब मैं इसे कहती कि मुझे एचआईवी है? नहीं ना, मुझे मेरे पापा को बचाना था, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर मैं मना कर देती, थूक देती, पेपर स्प्रे यूज कर लेती तो मैडम आपको क्या लगता है फिर मुझे ये जाने देते? इन्हें जो करना है वो करके ही रहते हैं, आखिर ये किस तरह का टीवी शो है जहां इनकी गलती पे सजा नहीं बल्कि मुझे गलत बताया जा रहा है। आरुई अब थक गई होती है, जहां भी जाती है उसका अलग अलग तरीके से शोषण करते हैं। वो अपना गन निकालती है और शो के डायरेक्टर पे चला देती है, सभी लोग डर जाते हैं और सभी का मोबाइल जमा कर लेती है। आरुई बस यही कहती है, मैं ये चाहती थी कि ये तीनों मेरे से माफी मांगे, लेकिन तुम शो वाले अलग ही स्टोरी बना रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी लेकिन तुम सब मुझे मजबूर कर दिए, अब मैं क्या करती? जब डायरेक्टर को गोली मारी होती है तो गोली की आवाज बाहर तक आ गई होती है, जिससे लोगों को पता चल गया होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इतना कुछ होने के बाद अब कुछ लोगों के दिल में आरुही के लिए प्यार तो कईयों के दिल में दया आने लग गई थी। आरुही को पता था कि अब पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो अपने आखिरी वक्त में भी लोगों का भला ही चाहती थी। पुलिस वाले जब उसकी मांगे पूछते हैं तो आरुही वहां पर रहे सब लोगों से पूछती है कि किसको क्या खाना है, क्या पीना है, और सबके लिए वो मंगाती है जिसको जो चाहिए। आरुही इतने मुश्किल वक्त में भी सबसे प्यार से रह पा रही है तो उसकी बीमारी एचआईवी है।
क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही है। वो मरने वाली होती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती, उसकी इकलौती दोस्त इमिली को भी नहीं। पुलिस अब अरुई को पकड़ लेती है। आप भले ही कितना बड़ा सच क्यों ना किए हो, अगर कानून को हाथ में लिए हो तो सजा तो मिलेगी ही, जो कि अरुही को भी मिलती है। लेकिन उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अरुही के लिए दया या प्यार ना हो, चाहे वो तीनों आदमी ही क्यों ना हो। सब यही चाहते हैं कि अरुही बहुत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन जब ये बात पापा को पता चलती है तो उनको अपने आप पे बहुत शर्म आती है। वो अरुही से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब वो जाएं तो जाएं क्या मुंह लेकर। अरुही अपने अंतिम दिनों में एक वीडियो बनाती है जिसमें कहती रहती है, मैं आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मैं जिंदा रहूँगी या नहीं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं तो शादी करके बच्चे भी पालना चाहती थी, ना जाने कितने सपने संजो कर रखी थी। बहुत डर लगता है रोज मरने का ख्याल, इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का ख्याल। दर्द है पर कोई बात नहीं, खाना लिगल नहीं सकती पर कोई बात नहीं। बस लगता है कुछ दिन और जी लूं, बस सिर्फ कुछ दिन और। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा मैं बस आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पापा। आज सुबह बहुत खांसी हुई, मुझे लगा मैं आज ही मर जाऊंगी, तो मैंने सोचा अगला खांसी का दौरा पड़ने से पहले मैंने सोचा कि तुम सबसे कह दूं, काश मैं तुम सबको एक बार देख पाती और कुछ नहीं। ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग उससे मिलने जाते हैं, उसके मम्मी पापा भाई पूरे टीवी शो वाले, और वो तीनों दोषी भी जाते हैं। सभी लोग अरुई से मिलते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू। हमारे समाज में लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार किया जाता है एक लड़के के तुलना में। बेशक ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं कहेंगे, चाहे मेरी हो या आपकी, और इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन प्यार महसूस के साथ साथ कभी दिख भी जाता है। जैसे बहन हो या दीदी, उनके पास 10 से 12 सेट कपड़े रहेंगे, लेकिन एक भाई के पास 2 से 3 ही रहेंगे। जैसे वो अपने पापा से कहेगा कि पापा मेरे को कपड़े लेना है, तो पापा मना कर देंगे, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो बात की बात है। लेकिन कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर बहन या दीदी वो चीज़ मांगते हैं तो उनको ला के देंगे। और मजे की बात ये है कि ऐसा करने के बाद ना भाई को जलन होती है, ना कुछ भी नहीं, ना मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब लोग खुश रहते हैं। शायद तक यही कल्चर है हम लोगों की। आई होप यार स्टोरी आप लोगों को